Welcome everyone in the lecture of converting postfix expression into infix expression. यहाँ पर हम इस बार postfix expression को infix expression में convert करेंगे. जैसा कि हमने पिछले video lectures में infix expression को postfix में convert किया था, एक इसी तरह का question और कर चुके हैं जिसमें हमने postfix expression को directly evaluate किया था. वहाँ पे कुछ numerical digits दिए हुए थे और उस postfix expression को हमने evaluate किया हुआ था. यहाँ पे हमें ये देखना है कि किस तरीके से हम एक postfix expression को infix expression में evaluate कर सकते हैं. ये method कुछ उस method से मिलता जुलता है जिसमें हमने postfix expression को evaluate किया हुआ था. तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या strategy apply होती है. तो सबसे पहले एक वही tabular method as it is जो हमने पिछले examples में किया है वो हम करेंगे यहाँ पे. तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं कि सिंबल स्कैंड, ये कौन सा सिंबल स्कैंड होगा, और इसके बाद स्टैक, और फिर यहाँ पे आउटपुट हम लेंगे जिसमें कि आपका इनफिक्स एक्सप्रेशन यहाँ पे जनरेट होगा. इस वाले कॉलम में इनफिक्स एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ पे जनरेट होगा. अब यहाँ पे हम इस टेबल को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं और इसके बाद हम इसमें फंक्शनिंग शुरू करेंगे. तो सबसे पहला सिंबल आप जो यहाँ पे स्कैन करेंगे वो ए है. तो हमने ए स्कैन किया यहाँ पे स्कैन सिंबल में और इसको स्टैक डाल दिया, ए यहाँ पे डाल दिया. इसके बाद जो दूसरा सिंबल स्कैन किया जाएगा वो बी होगा, तो हमने यहाँ पे बी डाला, तो ये इसी स्टैक में ऐसे इंटर हो गया. फिर इसके बाद हमने सी को स्कैन किया और फिर इसके बाद ए कॉमा बी कॉमा सी ऐसे हमने स्टैक में फिर से इंसर्ट कर दिया. आउटपुट पे अभी हमारे पास में कुछ भी नहीं है, नथिंग एट आउटपुट. देन आफ्टर प्लस आया, तो जैसे ही ऑपरेटर इनकाउंटर होगा इस स्टैक से हम दो ऑपरेटर्स, दो ऑपरेंड जो भी हैं यहाँ पे सी है और बी है, इनको यहाँ से पॉप करेंगे. और पॉप करने के बाद में जिस क्रम में यहाँ से पॉप होंगे उसके रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे हम उनको ऑपरेटर के साथ में और ब्रैकेट के साथ में लिख लेंगे. जैसे कि यहाँ पे बी प्लस सी हो गया और ये आउटपुट पे चला जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या बचा, ए. अब इसके बाद हम जो भी रिजल्ट है यहाँ पर उसको हम यहाँ पर लिखेंगे पुश रिजल्ट, पुश रिजल्ट. तो रिजल्ट क्या है हमारे पास में, ए कॉमा बी प्लस सी इन ब्रैकेट्स, ये हमारे पास में रिजल्ट हो गया. इसके बाद हम जो नेक्स्ट ऑपरेटर स्कैंड होगा, सी हम स्कैन कर चुके हैं, प्लस स्कैन कर चुके हैं, अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ रहा है. तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन लिया, अब फिर से ऑपरेटर आ गया है, तो हमारे पास में एक एलिमेंट ये है टॉप पे और उसके बाद ये टॉस पे रहेगा. इन दोनों को हम यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में जैसा कि हमने पहले बताया करके यहाँ पे हम आउटपुट पे लेके आएंगे, ए मल्टीप्लिकेशन बी प्लस सी, मतलब हम इसको और इसको पूरे को हम यहाँ पे लेके आएंगे इधर और आउटपुट पे उसको लिखेंगे. अब फिर से वही बात आती है यहाँ पे कि हम जब उधर हम कुछ भी आउटपुट पे कुछ भी लिखेंगे तो उसके बाद हम उसको यहाँ पे स्टैक में फिर से पुश करेंगे, तो ये यहाँ पे हो जाएगा पुश रिजल्ट. अब रिजल्ट क्या है, ए कॉमा बी मल्टीप्लिकेशन बी प्लस सी. अब इसके बाद क्या सिंबल स्कैन हो रहा है आपका, डी. तो यहाँ पे हम लेंगे डी, डी के बाद ए मल्टीप्लिकेशन बी प्लस सी हमारे पास पहले से है और इसमें हम डी यहाँ पे ऐसे इंसर्ट करेंगे. इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ई आएगा. तो ई आने पे हम जब स्कैन हो जाएगा तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्टैक में ए कॉमा बी प्लस सी कॉमा डी और कॉमा ई, और इसके बाद हम यहाँ पे ऑपरेटर पे आ जाएंगे तो डिवीजन ऑपरेटर आएगा, और जैसे ही डिवीजन ऑपरेटर आएगा इसमें से दो जो भी हैं ए मल्टीप्लिकेशन बी प्लस सी रहेगा और ये दोनों डी बाई ई, मतलब ये
और ये दोनों ऑपरेंड यहाँ से निकल जाएंगे और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे डी बाई ई। फिर इसके बाद हम इसमें पुश रिजल्ट को परफॉर्म करेंगे, पुश रिजल्ट। अब पुश रिजल्ट को परफॉर्म करने में हम यहाँ पे लिखेंगे, दो हो जाएंगे एलिमेंट, ए मल्टीप्लिकेशन बी प्लस सी कॉमा डी बाई ई। अब इसके बाद आपके पास में लास्ट सिंबल बचता है स्कैन करने के लिए माइनस, तो ये माइनस हम यहाँ पे लेंगे। तो जैसे ही माइनस इनकाउंटर होगा तो ये दोनों ही एक्सप्रेशन डी बाई ई और ए मल्टीप्लिकेशन बी प्लस सी, ये दोनों इधर की तरफ आ जाएंगे और उनके बीच में माइनस हो जाएगा। तो ए मल्टीप्लिकेशन बी प्लस सी माइनस डी बाई ई, और इसको भी ब्रैकेट में कर लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। इसको भी यहाँ पे हम पहले से ही ब्रैकेट में कर लेते हैं, ये हो जाएगा इस तरीके से। तो ये जो एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो एक्सप्रेशन मिला ये हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन है। ऊपर वाला जो ये हमारे पास जो ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन हमने लिखा था, इसका इनफिक्स एक्सप्रेशन हमने कैलकुलेट कर दिया है। अब चूँकि अब कोई सिंबल आगे नहीं है स्कैन करने के लिए, इसलिए हम अब आगे कोई भी सिंबल स्कैन नहीं करेंगे। तो इस तरीके से जो इनफिक्स एक्सप्रेशन आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है वो है ए मल्टीप्लिकेशन बी प्लस सी माइनस डी बाई ई, ये जो है आपका इनफिक्स एक्सप्रेशन होगा इसका। तो ये इसका आंसर हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एंड वी मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद सम अदर कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।